हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल निकिता एजुकेशन में। तो देखिए, झारखंड में जो है प्राइमरी और मिडिल स्कूल में नियुक्ति को लेकर नई अपडेट जारी हुई है, जिसके बारे में मैं आपको फुल इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ। तो अभी तक यहाँ पर पहली बार विजिट कर रहे हो, दूसरे अपडेट। जैसा कि प्रदेश के मिडिल और प्राइमरी स्कूलों में हेडमास्टर के 3218 पदों में से 3144 पद रिक्त हैं, जिसमें प्रोन्नति की आस में कई हो गए सेनानिवृत्त। 3218 में सिर्फ और सिर्फ 74 लोग ही हैं कार्यरत, यानी कि जहां पे 3118 हेडमास्टरों को नियुक्त रहना चाहिए था, वहां पे सिर्फ और सिर्फ 74 नियुक्त हैं। इससे आप समझ सकते हो झारखंड की जो है स्कूल की व्यवस्था किस तरीके से चल रही होगी, इसका आप अंदाजा खुद लगा सकते हो। तो इसमें बताया जाता है कि राज्य में शिक्षकों के साथ साथ हेडमास्टर के पद भी बड़ी संख्या में रिक्त पड़े हैं। ऐसे में शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। स्कूलों में हेडमास्टर के 3218 सृजित पद हैं, जिसमें से करीब 3144 हेडमास्टर के पद रिक्त पड़े हैं और सिर्फ 74 जगहों पर ही स्कूलों में हेडमास्टर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। झारखंड राज्य बनने के बाद अब तक मिडिल स्कूलों में एक भी शिक्षक का हेडमास्टर के पद पर प्रमोशन नहीं होने के कारण यह स्थिति बन गई है, यानी कि जो भी शिक्षक है उनका हेडमास्टर के पद पर प्रमोशन नहीं होने की वजह से ऐसी स्थिति बन गई है। राज्य गठन के बाद ही अध में लटका है प्रोन्नति का कार्य। राज्य का गठन होने के बाद से लेकर अब तक प्रमोशन कार्य पूर्ण करने की दिशा में कार्य हुआ ही नहीं है, इसकी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी। यहाँ तक कि कोर्ट ने सैकड़ों न्यायाधीश दिए बावजूद इसके प्रमोशन के प्रति शिक्षा विभाग कभी गंभीर नहीं हुई है, यानी कि बहुत सारे एफर्ट्स लगाने के बाद भी झारखंड में जो है हेडमास्टरों के पद पे जो है कोई भी प्रोन्नति, कोई भी वैकेंसी नहीं आई है। जिसमें बताया जाता है कि यहाँ पे देखिए लिस्ट निकाली गई है, जिसमें कि कितने जिलों में कितने पदों पे वहाँ पे भर्ती है, कितने कार्यरत हैं। जैसे कि रांची में 299 है, लेकिन कार्यरत जीरो है, कोई भी नहीं है। धनबाद में जीरो, सरायकेला में जीरो, चतरा में जीरो, खूंटी में जीरो, हजारीबाग में जीरो, रामगढ़ में जीरो, सिमडेगा में जीरो। जैसा कि उसके बाद देखिए सिर्फ कहाँ कहाँ पे है, सिर्फ दुमका में जो है कार्यरत है, जामताड़ा में कार्यरत है, उसके बाद यहाँ पे देखिए गढ़वा में 7 कार्यरत है, पलामू में 24 कार्यरत हैं, बोकारो में 3 कार्यरत हैं, गिरिडीह में 3 कार्यरत हैं, गोड्डा में 26 कार्यरत हैं। बाकी जितने भी जिले आते हैं किसी में भी हेडमास्टर कार्यरत नहीं है, पद सृजन किया गया है बहुत, लेकिन वहाँ पे कार्यरत नहीं है। तो इस तरीके से हमारी जो है शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है, जिसके लिए कड़ी कदम उठानी पड़ेगी हमारे झारखंड सरकार को। तो देखिए, झारखंड सरकार मिडिल और प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक को प्रोन्नति के माध्यम से हेडमास्टर बना रही है या फिर अलग से इन्फॉर्मेशन आ रही है कुछ। जैसे इसकी अदर इन्फॉर्मेशन आती है मैं आपको अपडेट कराऊंगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, पहले बच्चे पे विजिट करें और सब्सक्राइब करें। झारखंड की ऑल अपडेट पाने के लिए, स्पेशली जो है झारखंड टीचर की अपडेट पाने के लिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड मिलते हैं। कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।